गाजियाबाद में बीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है और बीके सिंह के समर्थक अपनी ही पार्टी के इस फैसले के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसकी तस्दीक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में भी हो गई है और हालात ऐसे बिगड़े हैं कि खुद राजनाथ सिंह को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है। यूं तो गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, मगर गाजियाबाद की सियासत को लेकर यही खबर हर ओर सुर्खियां बटोर रही है कि गाजियाबाद में बीजेपी के अंदर खेमेबंदी चरम पर पहुंच गई है। दरअसल अतुल गर्ग के नामांकन से पहले गाजियाबाद के घंटाघर इलाके के रामलीला मैदान में एक जनसभा हुई। इस जनसभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया था। इस दौरान बीजेपी के समर्थक खुले तौर पर वीके सिंह का टिकट काटे जाने के फैसले को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर हमलावर नजर आए। गाजियाबाद में वीके सिंह का टिकट काटे जाने के बाद से क्षेत्रीय समाज से जुड़े कुछ संगठन गाजियाबाद सीट से ठाकुर जाति के प्रत्याशी की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की ओर से इस बार वैश्य वर्ग से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। दरअसल गाजियाबाद लोकसभा सीट पर वीके सिंह पिछले 10 साल से सांसद की भूमिका में हैं। ऐसे में उनकी पकड़ इस सीट से जुड़े बीजेपी के जनाधार के बीच मजबूत है। तो वहीं बीजेपी ने जिन अतुल गर्ग को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है वो गाजियाबाद शहर की सदर सीट से विधायक हैं, जिसके चलते उनकी गाजियाबाद शहर में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी के अंदर तेजी से बदलते हालात को संभालने के लिए खुद राजनाथ सिंह ने डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाली है। दरअसल जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वो लंबे समय बाद गाजियाबाद आए हैं। इस बार पार्टी ने आपके बीच एक नए कार्यकर्ता को जगह दी है। आप सभी अपने बहुमूल्य वोट से अतुल गर्ग को जिताएं। आप अतुल गर्ग को स्नेह दीजिए। आपस में मिलजुल कर भी ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, एनडीए का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता उनको भी मोए मोए कर देगी, यानी टाई टाई फिक्स कर देगी एनडीए अलायंस को भी। तो वहीं राजनाथ सिंह मीम्स के सहारे इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दलों यानी इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। देश की जनता जल्द ही उनका मोए मोए कर देगी। बहरहाल सभी पार्टियां जनता से जुड़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं, अपने अपने वोट बैंक को लुभाने में लगी हैं। साथ ही कई दलों में तेजी से उम्मीदवारों के नाम बदल रहे हैं या फिर पुराने सांसदों के टिकट काटकर कई नए चेहरों को जगह भी दी जा रही है। ऐसा ही गाजियाबाद में भी हुआ। अब देखना यह होगा कि वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग के सहारे गाजियाबाद में जीत तलाश रही बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर पाती है या फिर गाजियाबाद में अखिलेश राहुल की जोड़ी साइकिल की रफ्तार को बढ़ाकर कमल के साथ साथ हाथी के सियासी ख्वाब भी चकनाचूर कर देती है। नोएडा से छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।